नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, अभी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर बवाल मचा था जब इनकम टैक्स की छापेमारी हुई थी। अब ब्रिटेन के सचिव भारत आए हैं जहां पर G20 को लेकर अहम मीटिंग चल रही थी। और इसी बीच आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें दो टुक जवाब दिए हैं। ये बहुत चर्चाओं का बाजार इस वजह से गर्म हो रहा है क्योंकि यहां पर एस जयशंकर अपनी बातों पर पक्के दिखाई दिए। उन्होंने विदेश मंत्री को यह कहा, ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली को, कि भारत के कानून में बीबीसी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, कानून का पालन करना होगा, वो बीबीसी हो चाहे कोई और भी हो। और इसी तरीके से ये कहा जा रहा है कि भारत के कानूनों को लेकर विदेश मंत्री हमेशा ही अपनी बात बहुत ज्यादा सकारात्मक तरीके से रखते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि जब ये छापेमारी चल रही थी भारत कार्यालयों में, तो यहां पर छापेमारी को लेकर विरोध जताया गया था और ब्रिटेन भी इसको लेकर सवाल उठा रहा था कि निष्पक्ष नहीं है और जिस तरीके से हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई ये सही है, कानून के अंतर्गत है। और उसी को लेकर विदेश मंत्री ने जवाब दिए हैं, जहां आपको मैं पूरे विस्तार से बताती हूं कि क्या बातचीत चली। पहले तो मैं आपको बता दूं कि G20 की अध्यक्षता जिस तरीके से भारत करने जा रहा है उसको लेकर मीटिंग चल रही है, उसी वजह से ब्रिटेन के विदेश मंत्री अभी भारत दौरा कर रहे हैं और उनकी तस्वीरें भी विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ काफी वायरल हो रही है। आपको बता दें कि ये जो मुलाकात है ये काफी अहम मानी जा रही है G20 को लेकर। और इसी बीच बीबीसी को लेकर जो भारत में विपक्षियों ने सवाल उठाया था कि आखिर क्या ऐसी वजह हो गई जो आपने छापेमारी करा दी, जबकि आपको बता दें कि वो इनकम टैक्स की छापेमारी थी और टैक्स में घोटाला किया गया था, सर्वे में ये पाया गया था। उसके बाद से ये बवाल भारत में भी मचा हुआ था, जिसको लेकर विदेश में भी ये कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं कई देशों ने समर्थन किया कि बीबीसी की पुरानी आदत है हस्तक्षेप करना, नियमों का उल्लंघन करना। जहां पर ब्रिटेन में ये बातें कही गई है कि कहीं ना कहीं भारत में जो इसका विरोध हुआ है वो पूरी तरीके से गलत था। और इसी को लेकर ये जो जवाब दिया है भारत के विदेश मंत्री ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री को, इसको सराहा जा रहा है। आपको बता दें कि इसमें क्या क्या बातें कही गई है, किन किन बातों पर चर्चा हुई है, मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। यहाँ पर जेम्स क्लेवर्ली ने कहा कि बीबीसी एक स्वतंत्र संगठन है और सरकार भी अलग है। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी है लेकिन यूके और भारत की प्रतिक्रियाएं देखी हैं। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री से क्या कहा, जरा सुनिए। जो भी कंपनियां भारत में काम कर रही हैं उन्हें देश के कानून का उल्लंघन करना जरूरी नहीं है और हम उल्लंघन करने नहीं देंगे, भारत के कानून का पालन करना होगा। जहां पर आपको बता दें कि आप जेम्स क्लेवर्ली ने आगे क्या कहा, वो कहते हैं कि पहले तो जो बातें चल रही थी वो व्यापार को लेकर चल रही थी, इसी बीच उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, मैं भारत के व्यापार सचिव से मिलूंगा, हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस व्यापार समझौते में वास्तव में दोनों देशों में प्रॉफिट हो। और इन्हीं मुलाकात के बीच बीबीसी की चर्चा हुई थी। हालांकि आपको बता दें अभी तक ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने नहीं आई है कि आखिर बीबीसी को लेकर इतनी नाराजगी क्यों जताई, ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने इतनी नाराजगी क्यों जताई और तब जयशंकर का जो पलटवार है उसको भारत में सराहा जा रहा है। आपको बता दें कि फरवरी महीने में 3 दिनों तक लगातार इनकम टैक्स की छापेमारी चली थी, मुंबई दफ्तर में भी चली, दिल्ली के दफ्तरों में भी चली, विवाद खड़ा हुआ, विपक्ष ने कहीं ना कहीं सरकार को तानाशाह बताया, जहां पर यह कहा जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर इसका विरोध भी कर रही थी कि बीबीसी हस्तक्षेप कर रहा है, कानून का उल्लंघन कर रहा है। और जहां पर भारतीय जनता पार्टी पर खास तौर पर, क्योंकि केंद्र सरकार को घेरने की कवायद तेज थी, विपक्ष एक मौका ना छोड़ते हुए ये कह रहा था कि आखिर अगर इतनी निष्पक्षता है तो इस बीबीसी को दिखाया जाना चाहिए, क्या गलत है। जबकि आपको बता दें कई बार मैंने आपको बताया भी है कि क्लीन चिट मिलने के बाद भी जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्री बनाया गया था उसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वो धूमिल करने के लिए पुरजोर तरीके से प्रयास किया गया था। आपको बता दें कि इस कड़े जवाब को कहा जा रहा है कि एस जयशंकर अपने बातों को लेकर पक्के हैं, जहां पर कई नेताओं ने भी बयान दिया इसको लेकर कि एस जयशंकर ने कोई गलत बात कही ही नहीं, आप कानून का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं और बीबीसी कानून का उल्लंघन कर रहा था। जहां आपको बता दें कि बुधवार को ये बातें हुई हैं जहां पर द्विपक्षीय बैठक के दौरान इस मुद्दे को ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने पहले उठाया था, जहां पर जयशंकर ने इसका जवाब दिया है और इस जवाब को माना जा रहा है कि करारा जवाब भारत के विदेश मंत्री ने दिया है। आपको बता दें
की गड़बड़ी हुई थी आयकर विभाग के अनुसार, जहां पर मुनाफे के डाइवर्जन और गैर अनुपालन के आरोप में इनकम टैक्स की छापेमारी बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर में हुई थी, जहां क्या दावा किया गया था आपको मैं ये भी बता देती हूँ। 3 दिनों की जो रेड मारी गई थी उस पर ये दावा किया गया था कि ऐसे कई साक्ष्य मिले हैं, मतलब साक्ष्य मतलब प्रूफ मिले हैं जो ये दिखाता है कि कुछ कर का भुगतान बीबीसी ने नहीं किया है। आयकर विभाग ने ये भी आरोप लगाया था कि सर्वे में ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन में कई विसंगतियां सामने आई थी, और ये छापेमारी को भी कहीं ना कहीं विपक्ष कह रहा था कि ये जो छापेमारी केंद्र सरकार करा रही है तानाशाही है इस वजह से, क्योंकि मुद्दा भटक जाए। लेकिन आपको बता दें कि इनकम टैक्स में गड़बड़ी मिली थी, इसके बाद ही ये छापेमारी की गई थी 3 दिनों तक लगातार। अब आपको बताती हूँ कि छापेमारी के बाद से ही ब्रिटिश संसद में लगातार इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, और छापेमारी के वक्त ब्रिटेन सरकार ने क्या कहा था जरा ध्यान से सुनिए। ब्रिटेन सरकार ने कहा कि बीबीसी के दफ्तर में आयकर की छापेमारी पर सरकार बारीकी से निगरानी कर रही है, जहां पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बयान जारी कर ये बताया था कि ये जो छापेमारी की जा रही है इस पर गहरी चिंता व्यक्त की गई थी, मतलब ये छापेमारी गलत है, ये नहीं होना चाहिए और सरकार की आलोचना करने वाले निशाने पर है। ये ब्रिटेन में हुआ था, और वहीं जारी बयान में कहा गया था कि बीबीसी के नई दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तर पर जो सर्वे कराया जा रहा है वो फर्जी है, बीबीसी सही है और इसका हम विरोध करते हैं। और इसी बात को लेकर आपको बता दें, ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से ये बातें कही, तब एस जयशंकर ने कहा कि भारत का जो कानून है उसका पालन करना होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो छापेमारी हुई थी उसके कुछ दिनों के बाद ही ब्रिटिश सरकार ने बीबीसी और इसकी संपादकीय स्वतंत्रता का पुरजोर बचाव किया था, मतलब ब्रिटेन ने बचाव किया था और कहा था कि विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय के संसदीय अपर सचिव डेविड रटली ने यह कहा, हम बीबीसी के साथ खड़े हैं, हम बीबीसी को फंड देते हैं, हमें लगता है बीबीसी का सर्विस जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है, ये कहा था संसदीय अपर सचिव डेविड रटली ने। और ये भी कहा था कि हम चाहते हैं कि बीबीसी को संपादकीय स्वतंत्रता मिले। आगे उन्होंने कहा था कि ये हमारी आलोचना करता है, ये लेबर पार्टी की भी आलोचना करता है, बीबीसी के पास वह स्वतंत्रता है जिसे हम मानते हैं, बीबीसी को मिली ये स्वतंत्रता काफी जरूरी है और हम भारत सहित दुनिया भर में अपने दोस्तों को इससे अवगत कराना चाहते हैं। देखिए, ये पूरा विस्तार मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ब्रिटेन में भी लेकर इसको हंगामा हुआ था और भारत में हंगामे का जोर देखा जा रहा था, जहां पर विपक्ष ने इसको मुद्दे की तरीके से भटकाने की कोशिश की थी कि जो डॉक्यूमेंट्री है उसको दिखाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि कई विश्वविद्यालयों में इसको लेकर हंगामा हुआ, खासतौर पर राजधानी दिल्ली की मैं बात कर लूं, लेकिन इसको बैन किया गया था और कहा जा रहा था कि अब बीबीसी के दफ्तरों पर जो छापेमारी हुई है वो भी जरूरी था। सरकार की तरफ से ये बात से साफ की गई कि बीबीसी हस्तक्षेप करता है, इसी को लेकर एस जयशंकर भी हमेशा ही कॉन्फिडेंस में नजर आए हैं कि हमने जो किया सही किया, भारत सरकार की जो पहल थी वो सही थी, बीबीसी को किसी भी तरीके से हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। और कई देशों ने इस बात को लेकर भारत का समर्थन किया था, जहां पर अब G20 की मीटिंग में ये बातें साफ हुई कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने इस पर आलोचना जताई कि गलत है, भारत ने जो किया वो गलत था, भारत ने इसका विरोध किया वो गलत है, हम इसके साथ हैं क्योंकि हम इसे फंड देते हैं, और उसी का करारा जवाब एस जयशंकर ने दिया। तो ये जो बातें थी ये काफी महत्वपूर्ण थी, उनके जवाब को भी सराहा जा रहा है और इस वजह से एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं एस जयशंकर, जिसका विस्तार मैंने आपको बताया। तो आपकी जो भी राय हो हमें कॉमेंट्स में बताइए। आपका बहुत धन्यवाद द न्यूज से जुड़ने के लिए।